आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव सत्ता पाने का एक साधन नहीं है। हमारे लिए ये एक पार्टी को बदल के दूसरी पार्टी का शासन लाने का जरिया नहीं है। पार्टियां बदलने से कुछ नहीं होगा। 70 साल हो गए पार्टियां बदलते बदलते, कुछ बदला? सब कुछ वैसा का वैसा है। हमें सिस्टम बदलना है, सिस्टम बदलना होगा, पूरा का पूरा सिस्टम बदलना होगा। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव देश और समाज में परिवर्तन करने का एक जरिया है। हमारे लिए चुनाव बदलाव लाने का एक मौका है। आप जब चुनाव प्रचार के लिए निकलो तो इस समझ और इस भाव के साथ निकलना कि आप देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए काम कर रहे हो। आप चुनाव प्रचार नहीं, देशभक्ति का काम कर रहे हो। इस चुनाव के जरिए आपका मकसद एक पार्टी बदल के दूसरी पार्टी सत्ता में लाना नहीं है, कि बल्कि आपका आपका मकसद मकसद है है भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ के एक ईमानदार व्यवस्था लागू करना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये साबित कर दिया कि बदलाव संभव है, चेंज इज पॉसिबल, परिवर्तन हो सकता है। आज तक इन पार्टियों ने हमें हमेशा ये बताया कि सरकार चलाना बड़ा मुश्किल काम है, सरकार चलाने में थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये साबित कर दिया कि सरकारें ईमानदारी से भी चल सकती हैं। इन पार्टियों ने आज तक हमें बताया कि चुनाव लड़ने के लिए खूब पैसा चाहिए और चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने ये साबित कर दिया चुनाव ईमानदारी से लड़े भी जा सकते हैं, जीते भी जा सकते हैं। आज तक हमें ये बताया गया कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट सेक्टर को दे देना चाहिए। आज तक हमें बताया गया कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने ये साबित कर दिया कि सरकारी स्कूल भी शानदार बन सकते हैं और गरीबों के बच्चों को अमीरों के बच्चों जैसी शानदार शिक्षा भी दी जा सकती है। ये पार्टियां 75 साल में भी सरकारी अस्पताल ठीक नहीं कर पाई, हमने 5 साल में ठीक कर दिया। तो हो तो सकता है, चेंज इज पॉसिबल, बदलाव संभव है, देश बदल तो सकता है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने देश के लोगों को ये उम्मीद दी है, बहुत बड़ी उम्मीद दी है, ये संभव है। लेकिन आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज़ादी की लड़ाई की तरह है ये। उस वक्त हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज हमारे सामने पूरा का पूरा भ्रष्ट तंत्र है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के पास अथाह पैसा है। हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारा जुनून है, हमारे पास हमारी देशभक्ति है। आज एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कसम खाए कि जब तक देश से इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक चैन से नहीं सोएंगे। चुनाव आयोग ने कल चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। कोरोना के चलते चुनाव प्रचार पे कई पाबंदियां हैं, लेकिन डोर टू डोर प्रचार करना अलाउड है। आज से, अभी से डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दो। कैसे करना है डोर टू डोर? जब भी किसी के घर जाएं तो सबसे पहले उनका हालचाल पूछें, उनके घर में सब लोग ठीक ठाक हैं, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पहले उनकी मदद करें। चुनाव प्रचार भी हमारे लिए सेवा करने का एक मौका होना चाहिए। फिर उन्हें बताएं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हमने क्या-क्या अच्छे काम किए हैं। उन्हें बताएं कि दिल्ली में हमने कैसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़कें ठीक कर दी। उन्हें बताएं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे उस राज्य में भी हम दिल्ली जैसे अच्छे काम करेंगे। याद रहे, हमें किसी दूसरी पार्टी वाले को गाली नहीं देनी, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना, हमें केवल पॉजिटिव कैंपेन करना है। और हमें सभी पार्टी वालों के यहाँ जाना है, ये नहीं सोचना कि फलाना फलाना उस पार्टी का है, उसके घर जाने से क्या फ़ायदा होगा। ये मान के चलो सब अपने हैं, हमें सबका दिल जीतना है, सबको गले लगाना है।